हेलो एंड वेलकम टू दिस सिनेमा माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और साल के पहले दिन ही ज़बरदस्त तोहफा मिल गया। तोहफे का नाम है नेल पॉलिश और ये Z5 पर स्ट्रीम हो रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर फिल्म है, 2 घंटा 8 मिनट ये ड्यूरेशन है इस फिल्म की। बग्स नाम की एक डायरेक्टर है, मैं बाकी का नाम उनका भूल गया, इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। अर्जुन रामपाल, मानव कौल, आनंद तिवारी, रजत कपूर, शिव सुब्रमण्यम, मधु शाह, ये सारे एक्टर्स हैं इसमें। और भी एक्टर्स हैं, छोटा छोटा रोल उन्हें मिला है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट रोल है उनका, किसी को भी भुलाया नहीं जा सकता। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो कोर्टून ड्रामा है ये बॉलीवुड में दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। पिंक, सेक्शन 375 और ये अभी नेल पॉलिश, ज़बरदस्त कोर्टून ड्रामा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है कोर्टून ड्रामा में। वैसे केसेस भी डिफरेंट होते हैं तो कोर्टरूम ड्रामा भी डिफरेंट होता है। तो मैं बहुत संतुष्ट हुआ ये कोर्टरूम ड्रामा देखकर। पहले तो बहुत जितना हो सके उसको ऑथेंटिक किया है। और जब मैंने ट्रेलर देखा था इस फिल्म का तो मुझे लगा था कि ये फिल्म अर्जुन रामपाल की है, बट नहीं, मैं गलत था। ये फिल्म अर्जुन रामपाल की नहीं है, ये फिल्म मानव कौल की है। और जो एक्टिंग, जो अदाकारी इस बंदे ने दिखाई है इस फिल्म में, भूल नहीं सकेंगे हम इसको। वीर सिंह नाम का एक कैरेक्टर उसने प्ले किया है, लेकिन उसके कैरेक्टर के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। ज़्यादा अगर बताऊँगा इस कैरेक्टर के बारे में तो स्पॉयलर्स मिल जाएंगे आपको। अर्जुन रामपाल जो एक डिफेंस लॉयर है, क्रिमिनल लॉयर हम कह सकते हैं। आनंद तिवारी जो है ये भी लॉयर है, अमित कुमार नाम का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। और अर्जुन रामपाल का नाम है सिद जयसिंह, और जज का रोल प्ले किया है अपना रजित कपूर ने। स्टोरी ये है कि ये जो वीर सिंह है मानव कौल, इस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने दो बच्चों को, छोटे बच्चों को रेप करके उनका मर्डर किया है। इस इल्ज़ाम में उसको पकड़ के लाया गया है। अब वो उसने किया है नहीं किया है, इसके बारे में ये पूरी कहानी है। बताने में ये स्टोरी तो वैसे सिंपल है, लेकिन जब हम देखते हैं तो जो हम देखते हैं उससे सर चकराने की चांसेस बढ़ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें लगता नहीं था कि ऐसे कोई ट्विस्ट आएंगे, लेकिन जिस तरह से इस ट्विस्ट को डाला गया है, अनबिलीवेबली उसको जिस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया इस पूरी कहानी में, वो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये ट्विस्ट सामने आता है, और जिस तरीके से इस फिल्म को एंड किया गया है, अनबिलीवेबल। मतलब सोच ही नहीं सकते इस तरह से इस फिल्म को पूरी तरह से एंड किया है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये सवाल आते रहते हैं कि होगा क्या इस फिल्म का, आगे जाके इसका कंक्लूड क्या करेंगे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त। अब ये है कि ये जब कोर्टरूम ड्रामा ये हमारे सामने आता है तो ये सारे वकील, ये दो वकील, अर्जुन रामपाल जो नार्सिस्ट है, नार्सिस्ट मतलब खुद से ही प्यार करने वाले हैं, अकेले हैं, और उनके शायद जो माता पिता है वो नहीं है, उनके फादर के साथ उनकी एक लव हेट रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब वो अपने फादर को मतलब आइडल भी मानते होंगे और अंदर कुछ नफरत भी होगी। अब ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। आनंद तिवारी जिन्होंने अमित कुमार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल प्ले किया, जो एक बहुत ही ईमानदार है, तो उनकी फैमिली के बारे में, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में दिखाया गया है। ये अर्जुन रामपाल के लाइफ के बारे में दिखाया गया है, जज रजित कपूर उनके लाइफ के बारे में बताया गया, और इनका लाइफ का इस केस से इनडायरेक्टली किस तरह से वास्ता आता है ये भी उन्होंने बहुत सटल तरीके से दिखाया है। और जो हमने हिंदी फिल्मों में जज जिस तरह से देखे हैं उस तरह से जज नहीं है ये, बहुत ही शार्प और बैलेंस्ड, संतुलित जज जैसे कहते हैं कि एक जजमेंट देनी हो तो उस पर क्या प्रेशर आती है एक जज पर, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखाया है। एडिटिंग बहुत कमाल की है इसकी, और जिस तरह से इसको एंड किया है ज़बरदस्त। अर्जुन रामपाल, माना कि अर्जुन रामपाल कि ये फिल्म नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक्टिंग की है, मैं अभी भी बताता हूँ, ये अर्जुन रामपाल जो है बहुत अंडररेटेड एक्टर है। आनंद तिवारी एज यूजुअल बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। परफॉर्मेंसेस के मामले में मानव कौल तो एक नंबर, बाकी सारे लोगों के परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, एडिटिंग ज़बरदस्त है। बस दिक्कत मुझे डबिंग में लगी, थोड़ा डबिंग का चक्कर मुझे लगा। एक फ्लो में शायद इस फिल्म की डबिंग नहीं हुई है, कुछ जगहों पर लगता है कि ये सिंक साउंड है, कुछ जगहों पर पता नहीं क्या है, जो भी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करते होंगे, तो थोड़ा डबिंग का इशू, मतलब वो
होता है ये कि बुरे नहीं है, जो भी उन्होंने इस्तेमाल किया वो बुरा नहीं है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए डबिंग के मामले में वो मैंने नोटिस की। अगर वो इश्यू अगर मैं छोड़ दूं तो ये बहुत ही मास्टरपीस सिनेमा इस साल के पहले दिन मुझे देखने को मिला, आप इसे छोड़ नहीं सकते, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है ये। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।